मेला ग्राउंड ग्वालियर से लाइव आ चुका हूँ। मैं इंडियन म्यूज़िक एकेडमी म्यूजिशियन भर्ती देखो का संस्थापक शाहरुख अली। तो जैसे भाइयों, मेरे जो लड़के अभी CRPF का बैच आया हुआ था, तो मैं उसकी अपडेट देने जा रहा हूँ। भाइयों, जितने भी लड़के थे ब्रास बैंड के, टोटल ब्रास बैंड के ऑल सेलेक्ट लड़के अपने यहाँ से हो चुके हैं। और बिगुलर की बात कर लें तो भाइयों, जो 8 दिन सीखा था, 5 दिन सीखा था और जो 1-1.5 महीने सीखा था, वो सारे लड़के सिलेक्ट हो चुके हैं, कुछ लड़कों को छोड़ के। जो कि वही लड़के नहीं सिलेक्ट हो पाए जो रनिंग में फेल हो चुके हैं और जो वहाँ पे अधिकारी के आगे जाकर घबरा गए थे। घबराने का पर्पज़ ये था कि वो होपलेस ज़्यादा हो गए थे और वो एकदम उनके सामने डर से गए थे, यूँ मान लो। तो वो सही तरीके से बजा नहीं पाए, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अन्यथा अपने लड़के, सारे लड़के सिलेक्ट हो चुके हैं ब्रास बैंड के। तो पूरा का पूरा बैच अपना सिलेक्ट हो चुका है, जितने भी ब्रास बैंड वाले थे वो पूरे सिलेक्शन हो गए। तो और बिगुल वाले जो थे, जो अच्छे बजाने वाले बिगुलर थे, वो रनिंग में फेल हो गए। और जो थोड़े से भी थोड़ा बहुत अच्छा जानते थे या थोड़ा बहुत उनने अच्छे तरीके से हमारे यहाँ सीखा था, वो सारे लड़के सिलेक्ट हो गए। तो भाइयों, जो भी भाई सीखना चाहता है मध्य प्रदेश ग्वालियर में आकर सीख सकता है। और दोबारा से आर्मी का बैच शुरू हो चुका है, तो अब आर्मी का टारगेट बैच चलेगा। जो भी भाई अपना सीखना चाहता है वो आके सीख सकता है। और भाइयों, जिसको भी कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना हो रिलेटिव भर्ती से या CRPF से या आर्मी से, वो अभी मैं इसलिए लाइव आया हूँ, वो कमेंट में पूछ सकता है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिसने भी CRPF का ट्रे टेस्ट दिया है, रनिंग दी है, वो आप बता सकते हैं कैसे क्या पूछा जा रहा था और क्या बताया जा रहा था। तो भाइयों, सब लोग लाइव आ जाओ, मैं भी लाइव आ चुका हूँ। तो लोकेशन आपको मैं बता दूँ, लोकेशन अपनी मेला ग्राउंड, यहाँ पर अपन सिखाते हैं, मेला ग्राउंड ग्वालियर मध्य प्रदेश, ये लोकेशन है अपनी, यहाँ पे अपन सिखाते हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप को पता ही होगा कि नेवी MR के जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उनके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, वो भी आप देख लेना भाइयों। अभी इसमें जिस भी भाई को, किसी को इसके बारे में पूछना है, ब्रास बैंड के बारे में और CRPF बिगुल के बारे में, वो कमेंट